एमसी वाले डेली सुबह आते हैं यहाँ पर, कूड़ा उठाने के चक्कर में देखिए पूरा खड्डा करके छोड़ दिया। जेसीबी से टूटा, डीएमसी वाले आते हैं क्लीन करने। नहीं, टाउन कमेटी कोई सफा नहीं करता। अनुभवन भोई बोल ना पड़ा, वैसे ईमान गुंदा ही धगा ही आते। बहुत दिन हो गया नहीं बना रहा है, कम से कम 10-15 साल से ऐसे ही है। या तो डस्टबिन बनाओ या तो यहाँ में रास्ता खिलाफ करके जबरा फेंकने के लिए मना करना चाहिए। इतना मोहन जे स्रोत ते आहिना से अपने भी जने जे स्रोत ला रोड कंडीशन दो कि नहीं आगे मैं मतलब कैमरामैन के कोई रुआ अपने रोड कंडीशन दो एक बार दिखाई दी बोले। ये तो जे स्रोत तो एक बिजिएस्ट कमर्शियल जगह एक हुई भी यू रास्ता तो बिया लबरते बिया थे हुई भी एक मोहन देखी पा दो लास्ट टाइम मोहन भिडियो देखा निचिना यू रास्ता भी बिया से हुई भी यू एडमिनिस्ट्रेटिव खान ला गलती एक नई ना मोहन जेनरल पब्लिक खान भी बेसि रेस्पन्सिबल बेसि है बिकज जगह जगह दे गड्ढा स्पेस थकाला जगह दे यू गड्ढा थकाला जगह तक ते वेस्टेज यू गार्बेज खान फेकाना और ते नाला निचिना बनाए दिना ते बेसि बिया स्मेल भी आई थे यूकार एडमिनिस्ट्रेटिव एक बाबू एक्शन लो नपनी मोहन भी मिली ना एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस पब्लिक खान भी मिली ना साफा साफ मोहन ला सराउंडिंग साफा रखी से गुले बेसि भल हो गए जाना दिए इतु लाइपर जी एस रोड ला मिडल दे इनर वेल खान बैक भल बनाए ना अपने भी देखो पारे से हलि भी इतु ला इन एंड एराउंड मान लेतरा ताते लेतरा खान गार्बेज खान पुची जाला सामान खान सब ताते फेकाई ताते और बेसि लेतरा हुईना थकी थे और ताते ट्राफिक भी इनका फासे ऊपर ओसर कमर्शियल हब खान होटेल्स खान और कि खान बेसि जी हलि भी कुन भी इनिशिएटिव भी न उठाए उठाई पारे हम एक बार दुई बार हवा बद कुन भी भल नब कारण मोहन भी डेली मोहन ला घर निचिना एवरीडे तो मोहन ला सराउंडिंग्स खान निजर निजर दुकान लसर साफा कर बेसि भल हम गई ना कैसे। जबरा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएमसी वाले डेली सुबह आते हैं यहाँ पर, कूड़ा उठाने के चक्कर में देखिए पूरा खड्डा करके छोड़ दिया है। और अभी डेंगू इतना ज़्यादा फैला हुआ है डिमापुर में, उसके वजह से स्टैग्नेंट वाटर के यहाँ पे मतलब हम लोग अगर भूल से वहाँ पे गाड़ी अगर खोलिए पूरा अंदर मच्छर भर जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं मतलब डेली यहाँ से गुजरते आते जाते हैं, एकदम परेशान हो रखे। इधर ही रूम है, घर है, लिटरली हम लोग खिड़की नहीं खोल सकते। खोलते ही रात को तो यहाँ पर पूरा अब यहाँ से लेके वहाँ तक लाइन पर पूरा कूड़ा का ढेर रहता है। अगर आप खोल लिए अगर भूल से, ऐसे लगोगे कि आप कहाँ कोई मतलब इतनी गंदी बदबू आती है वो। और दूसरा यहाँ हम लोग परेशान हो रखे इधर की पार्किंग की से। घर है यहाँ पर, हर दिन यह होता है कि स्कूल अगर जाना होता है 15-20 मिनट पहले हम लोग को यहाँ खड़ा रहना पड़ता है, हटाओ की गाड़ी तो बीच में नहीं। अभी भी यहाँ किसी ने खड़ा कर रखा है और पता नहीं कहाँ है बंदा न। डीएमसी को एक मेन यहाँ पर कम से कम एक कुछ एक बड़ा सा वो लगा के रखे कि उसमें डाल के रखे, उसको डेली सुबह एम्प्टी कर दे। लोग इधर ही गिराते हैं, करते करते यहाँ लिटरली पूरा गड्ढा हो चुका है। अनुभवन भोई बोल ना पड़ा, वैसे ईमान गुंदा ही धगा ही आते हैं तो सभी ने अपने हाथ भी सभी कहने का किया से तो की करी उपाय नहीं। तो कंप्लेन कर यहाँ कंप्लेन करा लगा मानू है मैं खान पूरा भी डांगर डांगर मानू खान भी तेखान भी कंप्लेन ना करे मैं खान की करी। लेतरा गनसन करता है ना, इतना बहुत दिन हो गया नहीं बना रहा है, कम से कम 10-15 साल से ऐसे ही है। तो थोड़ा दिन बाद में तो फोटो खींचता है, और भी आदमी आता है फोटो खींच के ले जाता है, बनाता ही नहीं है। आप लोग कंप्लेन किया? कंप्लेन तो किया तो टाउन कमेटी आता है, जबड़ा जुबड़ा सफा करके चला जाता है। तो सफा करने के बाद फिर आप लोग गड्ढा कर देते हैं ना? नहीं नहीं, ऐसे पहले से पूरा लेता है ना, तो पानी है तो गड्ढा हुआ है तो गड्ढा में कैसे उठाए चले। ये नाला भी टूट गया, नाला की वजह से इसको भी नहीं बना रहा, इसकी वजह से पूरा गंदगी रहता है, यहाँ बैठना हम लोग का मुश्किल है। हम लोग कैसे दुकान चला रहे हैं हम लोग को ही पता है। अच्छा, ये नाला कैसे टूट गया? जेसीबी से टूटा, डीएमसी वाले आते हैं क्लीन करने सुबह जेसीबी से उसको। जी जी जी, और इसको फिर से रिपेयर करने का कोई नाम ही नहीं है, यहाँ बैठना मुश्किल है। डेली यहाँ से वहाँ तो पूरा जबरा होता है, पूरा रास्ता में जबरा हो जाता है। हम लोग कंप्लेन करते हैं डीएमसी को भी, यहाँ के चेयरमैन को भी कंप्लेन किया, सबको कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कब से ऐसे ही है। ये जो है यहाँ में जो जबरा फेंक रहा है, पहले वो कोना में डलता था, वो कोना में डालते डालते वहाँ में जेसीबी आता है वहाँ से उठा के पूरा गड्ढा बना दिया। गड्ढा बनाते बनाते धीरे धीरे इधर आने लगा, अपना दुकान तक आ गया। अभी 4-5 दुकान क्रॉस करके 6 नंबर में आ गया। तो यहाँ का ऐसा व्यवस्था लेना चाहिए कि या तो डस्टबिन बनाओ या तो यहाँ में रास्ता खिलाफ करके जबरा फेंकने के लिए मना करना चाहिए। नहीं, टाउन कमेटी कोई सफा नहीं करता। इतना मोहन पब्लिक खान लगे खोटा कह पारे और अपने शुना निचिना पब्लिक खान बा कह दो यू गड्ढा हो जा डीएमसी खान बान जबरा उठावे आई थे तो यदि जबरा उठावे आह दाम दे रास्ता बिया थे तो ते तान एवरी टाइम जबरा उठावे आह दाम दे ते गड्ढा बनाए दे। तो अपने भी देखो पारे से गड्ढा कि डांगर आसे तो यू गड्ढा बनाए दे पीछे दे इतना तो ताते तहला ट्रक पा फुटपाथ ला जगह भी नाला भी यू भी भांगा दिए ना इतना तो यू बनावे भी एक्शन भी नलये ना से तहन कम्प्लेन करे भी एक्शन भी नलये ना से यू कैसे कारण
তাহান ইফানে বা মানুহান তো বেশি দিগদার পাইছে এইটো দিগদার পালার ওপরে তাহান তো ইফানে বাচ্চাহান বি আছে স্কুলস খান বি আছে আর মানুহান ঘর বহাহান বি রেসিডেন্স এরিয়া বি আছে তাহান তো ঘুমাও রাতিরে ঘুমাও টাইম দিবি উইন্ডোহান খুলি না বি ঘুমাও না পারে গরম দিন হইলে বি আর এর লগতে মচ্ছর বি বেশি আহে স্মেল বি বেশি আহে আর পার্কিং না থাকার ওপরে ইফানে আর নালা থাকার জায়গার ওপরে মানুহান গাড়িহান পার্ক করা পিছিয়ে দে মানুহ আহ না জানা করবলে বি নাপারাও যায় দনে থান বা এপিল পাবলিক খান বা জেনারেল পাবলিক খান বা এপিল করা দো মরম বা এই জায়গা তো বানাই দিবি আর বানাই দি না ইফানে সেপারেট একটা গার্বেজ এরিয়া একটা বানাই দি না এই বানাই দি না তাতে ডাস্টবিন জায়গা ফেগাইলে বেশি ভালো হবো কেন এই বি কয়ে আছে এই নিচিনা লেটেস্ট আপডেট কারণে সাইডে গিবি ডিমাপুর 24/7 মই রিপোর্টার নিভি আই এম ই উইথ ভিডিও জার্নালিস্ট খালিল।